हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त संजय गुप्ता। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दोस्ती पर। दोस्ती ही एक ऐसा वो नाम है जिसे दुनिया सलाम करती है। और लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है कि कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगी, कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगी, मेरी हर खुशी तेरे नाम होगी। कि कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगी, मेरी हर खुशी तेरे नाम होगी। कभी मांगना है तो मांग कर तो देख हमसे ऐ दोस्त, होठों पर हंसी और हथेली पे जान होगी, हथेली पे जान होगी। दोस्तों, दुनिया में दोस्ती एक ऐसा नाम है जिसको हर एक व्यक्ति सलाम करता है। हमारी ज़िंदगी में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर वक्त एक दोस्त ही होता है जो एक सच्चे साथी के रूप में हमारे साथ लगा रहता है। हर विपत्ति पर, हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा होता है हमारा एक सच्चा दोस्त। और दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो कॉलेज के हों, चाहे वह नौकरी के कुछ दोस्त हों, चाहे वह बिजनेस के कुछ दोस्त हों। ज़िंदगी में बहुत सारे काम इंसान को करने पड़ते हैं, लेकिन अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग दोस्तों का रुख बदल जाता है। जब कभी हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, एक सच्चा दोस्त जो होता है हमेशा अपने पास होता है, लेकिन जब हम कुछ पुराने दोस्तों से मिलते हैं, उन पर कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं, अगर पसंद आए तो बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक कर दीजिएगा। लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है कि चलो आज पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं, चलो आज पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं, देखते हैं उनके पंख थक चुके हैं या अभी भी फड़फड़ाते हैं। कि चलो आज पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं, उनके पंख थक चुके हैं या अभी भी मुस्कुराते हैं। हंसते हैं खिलखिलाकर कि देखते हैं, हंसते हैं खिलखिलाकर या ओठ बंद कर सिर्फ मुस्कुराते हैं। कि हंसते हैं खिलखिलाकर या ओठ बंद कर मुस्कुराते हैं, ये जो पंक्तियां हैं, जब एक चाहे कॉलेज का दोस्त हो चाहे स्कूल टाइम का दोस्त हो, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, जब एक सच्चा साथी उन सभी से मिलने जाता है तो कुछ उस प्रकार के हाव भाव हैं, उसी की पंक्तियाँ हैं। शुरुआत मैंने यहीं से की थी और आगे की पंक्तियाँ क्या कहती हैं कि चलो आज कुछ पुराने दोस्त को दरवाजे खटखटाते हैं, देखते हैं उनके पंख थक चुके हैं या अभी भी फड़फड़ाते हैं। चेहरे की हंसी देखकर या फिर बंद ओंठ सिर्फ मुस्कुराते हैं। वो बता देते हैं सारी आप बीती या सिर्फ सफलताएं सुनाते हैं। हमारी हो चाहे अपनी हो, आप बीती हैं, जब लंबे समय के बाद दोस्त मिलते हैं तो सब बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है, या फिर कुछ लोग होते हैं सिर्फ सफलताएं बताते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये 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 महान महान काम हासिल किए हैं, अचीवमेंट को गिनाते हैं। तो वही पंक्तियां हैं कि बताते हैं वो अपनी आप बीती या सिर्फ सफलताएं सुनाते हैं। हमें अकेला देख वो जब हम मिलने जाते हैं उनसे, कि हमें अकेला देख वो अपनेपन से मुस्कुराते हैं कि हमारा एक अच्छा अकेला दोस्त है जो अपनेपन से या हमारे पास मिलने आया है। तो वही हमें अकेला देख वो अपनेपन से मुस्कुराते हैं, या फिर घड़ी का वक्त देखकर हमें जाने का वक्त बताते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे आप मिलने जाएंगे तो या फिर देखेंगे यार वक्त काफ़ी हो चुका है, अब हमें निकलना चाहिए, कहें या ना कहें, लेकिन बार बार घड़ी की ओर इशारा करेंगे कि यार शाम हो गई, दोपहर हो गई, वक्त इतना हो चुका है। तो वही पंक्तियां हैं, घड़ी का वक्त देखकर वो हमसे जाने का वक्त बताते हैं, चलो आज फिर से कुछ पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं। यही कुछ सुंदर सी पंक्तियां थी। वो दोस्त जो अपनी ज़िंदगी में कुछ समय अहम हिस्सा होते हैं, हंसी मजाक फुल कॉमेडी होती रहती है दोस्तों के साथ जब गप सड़ाके लगते हैं, लेकिन एक समय बाद, साल, छः महीने, महीने या दो महीने बाद, जब वही कुछ पुराने दोस्त मिलते हैं तो कुछ के हाव भाव अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ के हाव भाव से ये प्रतीत होता है कि यार अब वो हमें वक्त नहीं देना चाहते। दोस्तों, दुनिया में दोस्ती ही एक ऐसी चीज़ है, कहने का मतलब ये है कि दोस्ती अगर सलामत रहती है इंसान की, दोस्ती और एक व्यवहार इंसान का हमेशा ज़िंदगी में काम आता है, बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, हमेशा दोस्तों के साथ जो यादगार पल होते हैं, वो कितने भी बुरे वक्त क्यों ना हो, अगर उन वक्त को याद कर लिया जाए तो अपने आप में इंसान की यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। बातें पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त एंकर संजय गुप्ता सतना। आप हमारे और भी वीडियो देखने के लिए आप हमें YouTube पर सर्च कर सकते हैं संजय गुप्ता सतना के नाम से। आप सभी चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।